सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नारायण नमस्ते। नृसिंह रूपेण
महाबल शिवधूते स्वरूपेण हतजत्र महाबल भोलरूपे महागावे नारायणे नमस्ते दृष्टाचलालभगणे शिरोमालाभिभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्धे शक्ते पुष्टेश्वरे द्रवे महारात्रे महाविद्धे नारायणे नमस्ते मेधे सरस्वते भरे भूतलाभभिगामने नियते तम्रसिदेशे नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यश्राहिनौ देवे दुर्गे देवे नमस्ते एतत्ते वदनं सव्यं लोचनत्रयभोजनं पादुनः सर्वभेदेभ्यः कात्यायने नमस्ते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनम् त्रिशूलम्बासनोभिकर्वत्रकाले नमस्ते निरस्ते दत्तदेजांसि स्वरेणापूरयाजयत् सखण्डापासनो देवे पापेभ्यो नासुरानिव असुरासिंहसापङ्कचर्चितस्य करोत्थलः शुभाय खलो भवतु चण्डके त्वाम्बदामय रोगानशेषान्यप्रहासि दुष्टा दृष्टा तु कामान् सकलानवेष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नानां त्वामाश्रितायां क्षयतां प्रयान्ति वेदाख्यतायाश्चतनात्रयाध्या धर्मादिशां देवि महासुराणां रूपेणैकेन भवदात्रमूर्ते वित्ताभिकेतात्प्रकरोति काम्यं विद्या सुशास्त्रेषु विवेकलिभे शब्देषु वाक्येषु जगात्त्वधन्या ममात्मकर्ते महान्धकारे विभ्रामयते कर्देवेश रक्षांसि यत्रोग्रविशासनाय यत्रारयोगस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र दधाति मध्ये तत्र दधाता परिपाशिवेशम् विश्वेश्वरेतम् परिपाशि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेशबन्ध्या भवते भवन्ते विश्वाश्रयाय त्वैवाप्तिनम्रः देवे प्रसीद परिपालयमारभीर नित्यं यथा सर्वदा धुनेव सद्यः पापानि सर्वजगता प्रथमान्नयाजो उत्पादपाकजगता च महोपसर्ग प्रणतानां प्रसेदत्वं देवे विश्वाधिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामे द्वैलोकानामृद्भ्यो भज वदासुरगणा परं जन्मनजद ताम्रणद्धं प्रयच्छामि गरदामुपकारकम् देवावोचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्वेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्वैरिविनाशनम् देभ्यो भाच वैवस्वलन्धरे प्रान्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भदेवानापुष्पे च महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्वसम्भव ततस्सौनाशयिष्यामि विन्ध्याचरणनिवासने पुनरप्यधिरोधेन रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्यहरिष्यामि विप्रलिप्तान् सुधानवान् भक्ष्यन्त्या सुधानुघ्रान् विप्रलिप्ता महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ते दानमे कुसुमाभवा ततो मा देवतः सर्गे मध्यलोके च मानवाः स्तुभन्तो व्याहरिष्यन्ते सलिलं रक्तदन्तिकम् भूयश्चतवाशक्या मणाविष्ट्या मणामसे मुनिमिहे संसुधा भौमौ सम्भविष्यामि जोनिज तथा शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि हन्मणि
सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन। आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन में माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम सम प्रभापते स्कंधासिदामे शक्र जदा सिखे
ब्रह्मांडमनुजेश्वर महाकाले महाकाले महामाले सर्वमया सर्वकाले महामाले सर्वशक्तिर्भवत्या स्वयं करोति भक्तानां सर्वकाले सनातने भवकाले जनां सेवा लक्ष्मे वृद्धे प्रसादे सेवा भावे तथा लक्ष्मे विनाशाय भजायते सुधा सम्भोजिता पुष्पे लोभगन्धा दिवसदा स्तोत्र शिववाच शिवदेवेष्टभक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तम येन मन्त्र प्रभावेण चण्डे जपः भवेत् न कवचं न कला स्तोत्रं केलकं न रहस्यकम् कुञ्जिकापाठमासेन दुर्गापाठफलं लभे अधिकोयतरं देवे देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयतनेन द्वयोनेरिव पार्वते मारणमोहणवशौ सम्भणौ चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धं कुञ्जिकासोत्तमोत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ क्लौं हौं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वलहं ज्वलं जं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्रलोपिन्ये नमस्ते मधुवर्धने नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषासने नमस्ते शुम्भान्द्रेण शुम्भासुरघातने जागृतो हे महादेवे जपं सिद्धिं करोषि मे हृङ्कारे सृष्टिरूपाय हृङ्कारे प्रतिपालिका हृङ्कारे कामरूपिण्ये भेदरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डादण्डघाति च यैकारे वरदायणे विच्चे च वरदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे ध्वां ह्रीं ह्रौं दोयटे पद्मे वां मे मौं वागधेश्वरे क्रां ह्रीं क्रौं कालिका देवे छां ह्रीं ह्रौं मे शुभं करो हुं हुं हङ्काररूपिण्ये झं 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 वराजने भ्रां ह्रीं ह्रौं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चं तं तं पञ्चं झं भ्रीं दुं ऐं भ्रीं हं छं द्विजाग्रं द्विजाग्रम् त्रोटय त्रोटय नीर्तं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं ॐ पार्वते पूर्णं ह्रां ह्रीं ॐ कैतरे तदा ह्रां ह्रीं ॐ सत्यदेवेभ्यः मन्त्रसिद्धिं कुरु क्षमे हिरन्तो पञ्चकाशस्त्रं मन्त्रयागन्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोभिदरश्च पार्वते यस्तु कुञ्जिकया देवे एनां सप्तशते पुणे ज्ञातस्य जायते सिद्धिः अरण्ये रोदनव्यस अथ दुर्गा पद्धरस्तक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगत्यापि देवेश्वरूपे नमस्ते नमस्ते जगत्तारिणे
Yeah.
सरस्वती वंदना रवि ब्रह्मादयः सुरः
मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। जन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस मां जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवत मां से प्रार्थना करते हैं। अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए मां भगवत का श्रवण करते हैं, मां की स्तुति करते हैं कि मां प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवते हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना। चंडिके सतम जीतम अर्चन्ते भक्तितः रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हे माँ चंडिकी, आप इस संसार में जो भी भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना, आपकी अर्चना पूजा करते हैं, हे माँ आप उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से कहीं भी इस मां जगजन्य का ध्यान करते हैं, मां भगवती का नाम स्मरण करते हैं, मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। इसलिए भक्तजन जो है मां को प्रसन्न करने के लिए, मां को जानने के लिए मां के दरबार में आकर के मां से करवत यही प्रार्थना करते कि देवी सदा सर्वदा हम पर प्रसन्न रहना, क्योंकि जिन पर भगवती प्रसन्न हो जाती,
जिन पर ये भगवती आदिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती कृपा हो जाती है, जिन इन तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं उनके जीवन कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उनके जीवन में उनकी घर गृहस्थ में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और उनकी जो भी उनके जीवन की जो भी मनोलक्षित कामना होती है माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उनके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस लोक में दसों सुखों का भोग करते हुए उनका परलोक जो है वह कल्याण में हो जाता है, सुखमय हो जाते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वृद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ जगजननी कल्याणमय देवी की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा जो अवश्य करनी चाहिए। जहाँ आकर के माँ के दर्शन करना, माँ के नाम का जप करना, माँ भगवती स्तुति करना, इस प्रकार से माँ के शरणगत होकर के जो भक्तजन जो है भगवती की आराधना अर्चना पूजा करते हैं उन पर सदा सर्वदा इन तीनों देवियों की पूर्ण कृपा बनी रहती है और जिन पर इन तीनों देवियों की कृपा होती है उन भक्तों का सर्वत्र जो है मंगल मंगल होता है। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वर साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाले मंगलमय हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषोत्सव करने वाले शरण वसलाती नेत्र वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है कि माँ भगवती आपकी हम पर कृपा हुई है, आपने हमें अपने दरबार में अपने चरण बुलाया है, क्योंकि आपके बुलावे के बिना जहाँ पर कोई आ नहीं सकता और फिर जहाँ बुला करके आपने चरणों में बिठाया है जी, आपकी बड़ी असीम कृपा हम पर। और भगवती हम सब भक्तों की यही करवत प्रार्थना है किसी तरह से हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों के साथ हमें लगाए रखना, अपने दरबार बुलाती रहना, आपका आशीर्वाद जो है सदा सर्वदा हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे वंश पर जो है सर्वदा बने रहे, हमारे वंश में आपकी भक्ति जो है जी होती रहे, ऐसी कृपा करना, ऐसा हमें आशीर्वाद देना कि सदा सर्वदा आपकी हम पर इसी तरह से कृपा बनी रहे और आपके चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो, आपके चरणों की सेवा जो है सदा सर्वदा हमारे हृदय में बनी रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आज माघ शुक्ल पक्षी सप्तमी है और इस समय गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं, ये बड़ा ही उत्तम समय है कि माघ महीना जो है ये पुण्य अर्जित काम करने का महीना है। इस महीने विशेष स्नान का बड़ा विशेष महत्व बतलाया, स्नान और दान का जो है, और फिर जो है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत जो है ये 9 दिन जो है ये गुप्त नवरात्र होते हैं। जो 9 दिन की विशेष साधना है जो गुप्त नवरात्र होते हैं, आज जो गुप्त नवरात्र का जो है सप्तमी, ये सप्तमी तिथि है तो सप्तम नवरात्र है, गुप्त नवरात्र का सप्तम नवरात्र है और भगवती का 7वां रूप जो है वह भगवती कालरात्रि का है जी। माघ शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी तिथि जो है इसका बड़ा विशेष महत्व बताया गया। एक तो जो है जे माघ शुक्ल सप्तमी जो है गुप्त नवरात्र की सप्तमी है, सप्तम नवरात्र भी है। दूसरा जे अचला सप्तमी है, इसे रथ सप्तमी कहा गया है, बाणु सप्तमी कहा गया है, जे संतान सप्तमी कहा, पुत्र सप्तमी जो है संतान सप्तमी जो है। इस प्रकार से जी सप्तमी का बड़ा विशेष महत्व है जिसमें जो भगवती की विशेष आराधना अर्चना पूजा, भगवान सूर्य नारायण की पूजा, अन्य देव देवता की पूजा जो है और स्नान दान का जो है बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। अचला सप्तमी पुराणों में जो है रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी, भानु सप्तमी, अर्घ सप्तमी, महती तथा पुत्र सप्तमी जो है आदि अनेक नाम से विख्यात है, जो कि संतान सुख देने वाली है, सुख सौभाग्य को देने वाली है। इस तरह से जी इस सप्तमी का बड़ा विशेष महत्व कहते हैं कि वर्ष में जी एक बार सप्तमी जो आती है तो जो इस सप्तमी को व्रत करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, उन्हें जो है भगवान सूर्य नारायण की पूजा के जो प्रति हर सप्ताह जो है जी रविवार के दिन जो भगवान सूर्य की विशेष पूजा आराधना करते हैं, उनको पूरे वर्ष के जो रविवार की पूजा का जो है विशेष फल जो प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार से कुछ ऐसी विशेष तिथियां होती हैं जिनमें कि भगवान की विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ जो है इसका अनंत गुणफल होते ही फिर किसी तीर्थ पर जाकर के इस प्रकार शक्ति प्रवरा करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का तो इसका अक्षय फल होते इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। कहते हैं कि एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न किया था द्वापर युग में। उन्हें जो प्रश्न किया महाराज आपने जो है माघ महीने का महत्व तो बतलाया कि माघ महीने जो स्नान करना चाहिए ध्यान करना चाहिए तो ये सारे विधि विधान जो आपने बतलाया परंतु प्रतिदिन प्रातःकाल क्योंकि स्नान जो होता है माघ महीने का स्नान कहते हैं तारे रहते हुए स्नान करना चाहिए जिस समय तारे जो है अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जो है प्रातःकाल जो स्नान करना चाहिए और इस प्रकार से जी साधना बतलाएगी ये तो है तो बड़ी कठिन तो सब तो जो कर नहीं पाते कुछ वृद्ध भी होते ही कुछ जो है नहीं भी कर सक पाते हैं किसी कारण से जो है तो इसलिए जो है ऐसा कोई उपाय बतलाइए कोई सरल उपाय जो है जिसको सभी कर करके जो है जो विशेष जो है इस महीने का फल उसे प्राप्त हो सके और वह साधु जो है परम मोक्ष प्राप्त कर सके ऐसा कोई पुण्य कर्म जो है ऐसा कोई व्रत जो है ऐसी कोई साधना जो है आप बतलाइए जो थोड़े से परिश्रम द्वारा जो है जैसे स्त्री है जीव जो फल को प्राप्त कर सके और विशेष करके स्त्री जो है उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो संतान सुख की प्राप्ति हो अनंत पुण्य की प्राप्ति हो और इतने नहीं वह मोक्ष को प्राप्त कर सके तो इस प्रकार से ऐसा कोई जी साधना जो है आप बतलाएं। तब जो है भगवान कृष्ण जो है महाराज युधिष्ठिर कहते कि राजन अचला सप्तमी जो है ये व्रत जो है ये सबसे उत्तम फल देने वाली है अचला सप्तमी इसको अचला सप्तमी कहा गया है तो माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी अचला सप्तमी जो है ये व्रत जो है बड़ा ही ये श्रेष्ठ व्रत है और इसका व्रत करने से जो है मनुष्य जो है सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है क्योंकि ये पांडव जो थे भगवान कृष्ण समय समय पर इनका मार्गदर्शन करते रहे क्योंकि उन्होंने धर्म का त्याग किया नहीं और जो धर्म का त्याग नहीं करते भगवान उनके अंशक रहते हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं तो पांडु के जीवन में बड़े कष्ट विपत्ति हैं परंतु उन्होंने धर्म का त्याग किया नहीं और भगवान जो थे उनके साथ साथ चलते रहे और समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे। इस प्रकार से एकादशी का व्रत करना है सत्संग करना है भगवान की आराधना करनी जप करनी है तो जंगल में वन में रहते हुए भी वह धर्म कर्म करते रहे धर्म का त्याग किया नहीं। इसी प्रकार से अन्य विशेष पर्व जो थे उन पर्वों में भगवान जो उनको मार्गदर्शन करते रहे कि इन पर्वों में इन तिथियों में जो है विशेष जो है भगवान की आराधना अर्चना जप करना चाहिए इससे जो है पुण्य की प्राप्ति होती है पापों का नाश होता है और जो है भक्त की जो है मनोवलक्षित कामना जब पूर्ण होती है उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि बनी रहती है उसका यश उसका मान उसकी कीर्ति जो है संसार में अटल बनी रहती है उसमें कभी कोई काला धब्बा नहीं लगता। जो इस प्रकार से जो भगवान के शरणक धोकर के समय समय पर जो इन पर्वों पर जो है इन तिथियों पर जो है जो विशेष जो है पुण्य कर्म जो है जो करते हैं तो जो पुण्य का फल होता है जो भी सत्कर्म व्रत जाप करते हैं माँ के दरबार में आते हैं माँ के दर्शन करते हैं तो दर्शन से भी जो है पापों का नाश होता है पुण्य की प्राप्ति होती है और जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद मिलता है जिस आशीर्वाद से जो है साधक सबोर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण जो है इस तिथि का महत्व बतलाते उनसे कहते हैं कि राजन मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं कि मगध देश में जो है एक वेश्या रहती थी जिसका नाम था इंदुमती। इंदुमती नाम की वेश्या जो थी जो बड़ी रूपती थी और इस प्रकार से वहां पर निवास करती थी ये मगध देश में और मगध देश में रहते हुए जो है कहते हैं कि एक बार जो है उसके मन में विचार आया प्रातःकाल का समय था और विचार आया कि मैंने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म किया नहीं। देखिए जब भगवान कब किस पर कृपा कर देते हैं इसका पता नहीं चलता जिनका जो उद्धार करना चाहते हैं उन पर इसकी कृपा होती है और भगवती कृपा हो जाती है और वह सद्ज्ञान देते हैं अपने बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं तो उसके मन में ऐसा विचार है प्रातःकाल की वेला थी और बैठे बैठे ही कि जो है कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कर्म जो है ये नहीं किया है तो इस प्रकार से ऐसा वह विचार वह कर रही थी कि संसार की नश्वरता के विषय में सोचने लगी। ये संसार जो है इस संसार में जीव आता है जन्म होता है बाल्यकाल बीतता है
जवानी आती है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, जर्जर अवस्था हो जाती है, ये शरीर समाप्त हो जाता है। परंतु इस संसार में आकर के व्यक्ति जो है धन संचय में लगा रहता है और उसी में सारी जवानी बीत जाती है और वास्तव में जवानी चली जाती है, बुढ़ापा आ गया, फिर जो है सोच जाती है मैं कहां से चला था, कहां पहुंचा, मुझे करना क्या था, जो करना था मैं किया नहीं, जो नहीं करना था वही जीवन भर मैं करता रहा, जो करना चाहिए किया नहीं। तो वेश्य के मन में विचार आया कि मैंने जीवन भर जो है अच्छा कर्म किया नहीं, बुरे मार्ग पर ही चलती रही और कभी जो है अच्छाई के रास्ते पर चली नहीं, और अब जो है बुढ़ापा भी आ गया है, बुढ़ापा भी आ गया है, अब मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं। उसको बड़ा भय लगने लगा, बड़ा भय लगने लगा कि अब जब बुढ़ापा आ रहा है क्या कष्ट होंगे, किस किन विपत्तियों में मैं जाऊंगी, तो इस प्रकार से अब क्या करूं कहां जाऊं, तो ऐसा विचार कर रही थी। और इस प्रकार से वह विचार करते ही सोचती है कि जी विषय रूपी संसार सागर जो है ये कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जो है जन्म मृत्यु जरा और जल जंतु से पीड़ित होते हुए भी वह किसी प्रकार पार उतर नहीं पाते हैं, क्योंकि इसी में फंसे रहते हैं, इसी मोह में जो है धन संपत्ति में जन अन्य कार्य में फंसे रहते हैं। तो जो कि प्राणियों के जो धर्म अर्थ काम से जो है रहित दिन जो है जब व्यतीत होते हैं, फिर भी कहां वापस आते हैं कि हमने कभी जीवन में धर्म कर्म किया नहीं, कोई सत्कर्म किया नहीं, और जो समय बीत चुका है वह तो वापस आएगा नहीं, बीतता हुआ समय जब वापस आता नहीं है, तो जिस समय जो मेरा बीत चुका है कोई धर्म कर्म किया नहीं, पुण्य कर्म किया नहीं, कोई जप पाठ नहीं किया, कोई देव देवता की आराधना अर्चना की नहीं, और जिस समय जब बीता हुआ समय जो है ये वापस तो जो है आता नहीं है, और जिस दिन जो है कोई व्यक्ति जो है अच्छा कर्म करता नहीं, कोई स्नान दान जप पाठ व्रत होम आदि ये स्वाध्याय पितृतर्पण ये कार्य जो सत्कर्म जो है नहीं किया जाता है, तो वह दिन जब वास्तव में व्यर्थ ही होता है। मनुष्य को जो है अच्छा कर्म करते प्रति दिन जो अच्छे कर्म भले कर्म करते रहना चाहिए। जे वेश्य के मन में ऐसे विचार है कैसे आ रहे हैं कि देव कृपा हुई है, देव कृपा, ऐसे विचार जो उसके मन में आ रहे हैं, तब जो है वह कहते हैं कि पुत्र स्त्री घर क्षेत्र और धन आदि की चिंता में जो है जो मनुष्य जो है अपनी सारी आजू जो है ये व्यतीत कर देता है। ये होता है कि पहले ही बचपन बीता है खेल कूद में, और फिर जो है थोड़े बड़े हुए तो घर वालों ने स्कूल में विद्यालय में डाल दिया, स्कूल में चले गए, फिर ज्ञान प्राप्त किया तो सोचा कि अब धन कमाने का कोई उपाय करें, तो कोई व्यापार में चले गए, जहाँ कहीं नौकरी कर ली, अब जो है धन आना शुरू हुआ तो फिर क्या, अब तो गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, ग्रस्त आश्रम व्यक्ति आ जाते हैं, फिर जो परिवार बच्चे भी होने चाहिए, बच्चे आ गए तो यही अब इनका पालन पोषण करना है, इनको पढ़ाना लिखाना है, ऐसे मोह जंजाल में फंस जाते हैं, जो करना वह सब भूल जाते हैं, इसलिए इसी में फंसा हुआ जो व्यक्ति जो है अपनी सारी आयु जो व्यतीत कर देते हैं, अंतिम समय आ जाते हैं तब सोच जाती है, उस समय तो हाथ में आता कुछ नहीं, ऐसा विचार उसके मन में आ रहा है। और ऐसा विचार करते हुए वेश्य जो है अब जो है घर से निकली, घर से निकल पड़ी और वन की ओर प्रस्थान किया, और वन में जाकर के महर्षि वशिष्ठ के उसको दर्शन हुए, वन की ओर गई है तो कहते जब देव कृपा करते, इसलिए मनुष्य को भक्ति करनी चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, आपके विचार अच्छे होंगे, आप भक्ति करेंगे तो देवी की कृपा होगी, कोई ना कोई सदगुरु मिल ही जाएगा, बस सदगुरु भेज देते हैं। तो इस तरह से अब वेश्य जो है घर से निकले और जो है वन की ओर प्रस्थान किया, और वन में जाते जो है वहां पर उन्हें वशिष्ठ ऋषि के दर्शन हुए, ऋषि दर्शन हुए हैं तो वहीं पे मन विचार आया कि ऋषि को प्रणाम करूं, इससे पूछूं किस अवस्था में आकर के अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा कल्याण हो सकते हैं, कैसे मुझे सदगति प्राप्त हो सकती है, मेरा परलोक कैसे सुधर सकते हैं, जीवन भर मैंने कुछ किया नहीं है, पाप किए। एक बात है कि जब अपने हृदय के जो भी हमसे कोई पाप हुए हैं तो जो सदगुरु के सामने जो है बस सामने रख देते हैं, उसका प्रायश्चित करते हुए तो आगे के लिए वे मार्गदर्शन चाहते हैं तो उनका मार्गदर्शन हो ही जाता है। हृदय में कोई बात ऐसी छिपानी नहीं चाहिए, उजागर कर, जैसे व्यक्ति पुण्य करता है अच्छे कर्म करता है तो उसके लिए सबको ढिंढोरा पीटेगा, मैं तो
प्रयागराज गया था वहां कुंभ स्नान करने के लिए, अभी वहां गया नहीं है तो महीना पहले ही हमने टिकटें भी करवा दी हैं, हम वहां पर जाएंगे, फिर होकर के आएंगे तो सबको बतलाते रहेंगे कि हमने वहां जाकर के स्नान किया, वहां पर हवन किया, पूजा की, साधु संतों की सेवा की, इसका तो खूब बखान करता है। परंतु जब वह पाप करता है, बुरा कर्म करते हैं, तो छिपाता है, कभी किसी को बताता नहीं, कभी नहीं बताता, और फिर उस पाप में लगे रहता है। पुण्य कम करता है लेकिन उसका बखान बहुत ज्यादा करता है, पाप अधिक करता है परंतु उसको कभी किसी को बतलाता नहीं। परंतु याद रखना, वह पर्वता परमात्मा, वह हृदयेश्वर हृदयेश्वरी जग जननी सबके हृदय में विराजमान है, वह सब देखती है, सब देखती है, सब जानती है, सब सुनती है। और इस प्रकार से क्योंकि साधक घर से चलता है तो जो है सब जान लेती है कि उसके हृदय में क्या है, सबके हृदय की बात को जानती है। तो इसलिए जो है अब जब सदगुरु के सामने सब प्रकट किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलता है, वैश्य जो है कहाँ पहुंची है, भीष्म ऋषि के पास जो है उसे जाकर के प्रणाम किया, प्रणाम किया तो ऋषि महाराज ने भी उसे आसन दिए बैठी। तब कहा किस कारण से आपका आगमन हुआ, बतलाइए क्या चाहते हो। उसने कहा महाराज मैं एक वेश्य हूं, मेरा नाम इंदुमती है, जीवन भर मैंने पाप किए परंतु आज मुझे इतना भय लग रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरा कल्याण कैसे होगा, और इस प्रकार से मैं कोई सत्कर्म करना चाहती हूं, कभी कोई देवी देवता की आराधना की, ना ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा की, गणेश आदि किसी देव की मैंने आराधना अर्चना पूजा कभी किसी का स्मरण किया ही नहीं, किसी का ध्यान किया नहीं, और आज मन में ऐसा आ रहा है कि आप जो इतनी अवस्था भी चुकी है, जो थोड़ा समय कोई बचा है, जीवक से कृपा का श्वास जो है अंतिम श्वास निकल जाए, तो जो है अब मन में ऐसा विचार आया मैं क्या करूं कहां जाऊं, आप मन में आई हो तो आपके दर्शन हुए, ये भी उसकी कृपा हुई, देव कृपा हुई है, आप जैसे संत महाराज के दर्शन हुए हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, अब मैं क्या करूं, बहुत प्रार्थना की। तब जो ने कहा कि भरणी आप जो है आप माघ मास की जो है शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो है स्नान एवं व्रत करो, स्नान एवं व्रत करो और यथाशक्ति जो है दान करो, जप करो। जो उन्होंने सारी विधि विधान जो था विश्लेषण बतलाया कैसे जप करना है, मंत्र बतलाया इस मंत्र का जप करना और इस तरह स्नान करना और यथाशक्ति दान करना, भगवान का स्मरण करना, आपका कल्याण होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद था, कहते हैं कि जब कोई संत मिलता आशीर्वाद, कोई बात बतला दे आप ऐसा कर्म कीजिए, पीछे उसका आशीर्वाद होता है। उस मार्ग को जब साधक चल पड़ते हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिए वह साधक जो कल्याण को प्राप्त होते हैं। कहते हैं ऋषि का आशीर्वाद लेकर के वह वेश्य वापस लौटी और आकर के जैसे ऋषि ने बतलाया था उसी का अनुसरण करते हुए माघ महीने की सप्तमी जो शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन जो उन्होंने स्नान किया, फिर जो है दान किए ज्यादा शक्ति जो है भगवान का स्मरण किया, व्रत किया और दीप दान जो है, कहते हैं दीप दान कैसे करना है, दीप प्रज्वलित कर करके जो है अपने सिर के ऊपर रखें और भगवान से प्रार्थना करें, फिर उस जल में रख दीजिए, जल में बहुत तैरे दीपक जो है, ऐसे प्रकार से दीप दान जो करना चाहिए। तो कहते हैं इंदुमती वेश्य जो थी इस तरह से भगवान की साधना कर करके वह इस लोक में उसने स्व सुख भोग करते हुए अंत में कहते हैं कि वह स्वर्ग लोक में इंद्र की अवसरों में सबसे श्रेष्ठ नायिका जो थी, सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम जो है वह नायिका जो है उसका पद जो उसको प्राप्त हुआ स्वर्ग लोक में। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज जो है जो बड़ा ही उत्तम दिन आपको प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो विशेष दिन में आपको जो बतला रहा था कि सप्तमी का दिन है, गुप्त नवरात्र है और ऐसी सुबेला में आरती का समय है, माँ का दरबार है जिसके चरणों में देवता नतमस्त होते हैं, ऐसे जो है आप भक्तों को उत्तम बेला में जो है माँ के चरण बैठे इस पवित्र स्थली पर बैठ करके जो है वो जगजननी आदि शक्ति की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुए, तो सभी भक्तजन जो माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवत के मूल मंत्र निवारण मंत्र का पाठ करेंगे, जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है, इस मंत्र को अपने हृदय में धारण कर करके इस मंत्र को साक्षात जो है माँ का रूप ही माने और इसे अपने हृदय में ध्यान कर करके इस मंत्र का जप करें और जहाँ आकर के माँ के इस पिंडी के रूप में दर्शन करें, ऐसा करने से इन तीनों देवियों की कृपा होती है, जिस कृपा से वह साधक जो है
सब ओर से कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनकी जो ही मनोकामना होती है माँ की कृपा से सब पूर्ण होते। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। सच्चे द्रव्यार की जय। तभी भजन की बेला नवेदन करना से शुरू जिस माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन से योग दिना सा मिलकर बोलना ताली जाते हो श्री श्री। जय करा मेरी शरणवली मैया जीरा, बोल सच्चे द्रवार की जय। सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी। थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाने, थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाने। सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी, थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाने। सुमिरन करके असा उम्र बितानी, थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी। सुमिरन करके एक बार सभी भक्त ने अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी से विचार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता रहे। कख सिकलिया ने तो सकल नल लाया है, कख सिकलिया ने तो सकल नल लाया है, कख सिकलिया ने तो सकल नल लाया है, कख सिकलिया ने तो सकल नल लाया है। जिस नाम तो बिछड़े थी वो नाम मिलाया है, जिस नाम तो बिछड़े थी वो नाम मिलाया है, जिस नाम तो बिछड़े थी वो नाम मिलाया है। मेरी माँ का जो दर मिलया ये पाग निशानी है, मेरी माँ का जो दर मिलया जो पाग निशानी है। वो थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है, थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है, थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है, थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभानी है। सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है, थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती है, थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती है, थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती है, थोड़ी मौज बिच रहना सच्ची मस्ती है, थोड़ी मौज बिच रहना सच्ची हंसी है, थोड़ी मौज बिच रहना सच्ची मस्ती है, थोड़ी मौज बिच रहना
पद होवे ना ए रकम पुरानी बिल खेर पद होवे ना ए रकम पुरानी ओ थाडी बनी रवे कृपा असा कौन निभाने थाडी बनी रवे कृपा असा कौन निभाने सुमिरन करके असा उमर बितानी थाडी बनी रवे कृपा असा कौन निभाने सुमिरन करके असा उमर बितानी सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है सच बोल के सच कहना अस कभी न डोलांगे सच बोल के सच कहना अस कभी न डोलांगे ओ सच बोल के सच कहना अस कभी न डोलांगे सच पिछे मर जाना जयकारे बोलांगे सच पिछे मर जाना जयकारे सच पिछे मर जाना जयकारे बोलांगे सच पिछे मर जाना जयकारे बोलांगे इस जोत विच जोत निकले जो जोत नूरानी जोत जोत निकले जोत नूरानी ओ थाडी बनी रवे कृपा असा कौन निभाने थाडी बनी रवे कृपा असा कौन निभाने सुमिरन करके असा उमर बितानी थाडी बनी रवे कृपा असा कौन निभाने थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाने थोड़ी बनी रवे कृपा तोड़ निभाने ओ थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाने थोड़ी बनी रवे कृपा ਸਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਪ੍ਰਸਤ ਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਪਾਲ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਰਵਾਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर मातारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महाकाली सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर मातारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महाकाली जिसने भी तुमको याद किया उसकी तुम बिगड़ी बनाई गई जिसने भी तुमको याद किया उसकी तुम बिगड़ी बनाई गई दासों के कष्ट मिटाने को तुम कमल रूप धर आई गई दासों के कष्ट मिटाने को तू पवन रूप धर आई गई जिसने भी तुमको याद किया उसकी तो बिगड़ी बनाई गई जिसने भी तुमको याद किया उसकी तो बिगड़ी बनाई गई दासों के कष्ट मिटाने को तू पवन रूप धर आई गई दासों के कष्ट मिटाने को तू पवन रूप धर आई गई क्यों चुप हो अब मेरी बारी कर कृपा मुझ पर माता क्यों चुप हो अब मेरी बारी कर कृपा मुझ पर महदारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर माता सब
कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी तेरे हृदय में अपने बच्चों का प्यार भी है बच्चों का प्यार दिया तेरा हाथ हमारे सिर पर है मैया हमें इंतजार भी है तेरा हाथ हमारे सिर पर है मैया हमें इंतजार भी है घुमा है मेरे हृदय में अपने बच्चों का प्यार भी है घुमा है तेरे हृदय में अपने बच्चों का प्यार भी है तेरा हाथ हमारे हटती नहीं वह बीमार कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा स्वार्थ दुनियादारों ने मुझ में है नाता तोड़ लिया जब स्वार्थ दुनियादारों ने मुझसे है नाता तोड़ लिया इन मतलब रिश्तेदारों ने दुख में है मुखड़ा मोड़ लिया इन मतलब रिश्तेदारों ने दुख में है मुखड़ा मोड़ लिया जब स्वार्थ दुनियादारों ने मुझसे है नाता तोड़ स्वार्थ दुनियादारों ने मुझसे है नाता तोड़ लिया इन मतलब रिश्तेदारों ने दुख में है मुखड़ा मोड़ लिया इन मतलब रिश्तेदारों ने दुख में है मुखड़ा मोड़ लिया क्यों हटती नहीं वो बीमारी कर कृपा मुझ पर क्यों हटती नहीं वो बीमारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी भटकते मन को आज लगा ले मेरे भटकते मन को जगदम्बे चरणों से आज लगा ले गफलत से लुटा जाता हूँ मैं जग जननी मुझे बचा लेना गफलत से लुटा जाता हूँ मैं जग जननी मुझे बचा ले मेरे भटकते मन को जगदम्बे चरणों में आज लगा लेना मेरे भटकते मन को जगदम्बे चरणों में आज लगा लेना गफलत से लुटा जाता हूँ मैं जग जननी मुझे बचा लेना गफलत से लुटा जाता हूँ मैं जग जननी मुझे बचा लेना यही एहसान करो भारी कर कृपा मुझ पर महतारी यही एहसान करो भारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी सब छोड़ गए बारी बारी कर कृपा मुझ पर महतारी 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 जय गारा शरण वाले दाल सच्चे दरबार की जय अभी अगली प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी
जयकारा श्रवण हो सच्चे दरबार की जय। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मैया सहारा दिया है, मुझे तूने मैया सहारा कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है, तेरा शुक्रिया। न मिलती अगर माँ कोई दात तेरी, न मिलती अगर माँ कोई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, न मिलती अगर माँ कोई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, 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 तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मैया सहारा दिया है, मुझे तूने मैया सहारा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा कुछ दिया है, तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ नहीं है शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, किया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरी रहमतों का इशारा न होता, तेरी रहमतों का इशारा न होता, जमाने में मेरा गुजारा न होता, जमाने तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मैया सहारा दिया है, 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मैया बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जयकारा शिवाय, बोल सच्चे दरबार की जय। नागेश्वर विस्तरा भण भण तम सर रत्ना भले, बस देहल दंड भाकर नेत्र माला कुंभ कपाल रज कर चंद्रार्ध चोड़ा पर सर्वज्ञेश्वर भैरवा कनल पद्मावत चंत सचिया ज्योत भली माता तेरी सदा ही जय। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में ही माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में विशेष ध्यान गुप्त नवरात्रों में आज सप्त नवरात्र के अवसर पर माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और माँ के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पर्व पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संत देहान भवे श्रीमान सस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य धर्म धरणी व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पंगत है सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है
शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्रेणां देशो शरीरवर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् शममानम् हि यदि धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। महा भगवती आप भक्त की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से सुगंधित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अम्बे गौरी मैया मैया तुम
सदबुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे धर्म की जय। क्षम कर अपराध शरण माया हो, क्षमा करो अपराध शरण माया हो, माता वैष्णो घर शेष झुकाया हो, माता वैष्णो घर शेष झुकाया हो, पूजा भेटा कुछ नहीं
पुजारी जी, मां भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत मां भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे द्रवार की जय। सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे। समझ कर बोलना सौभाग्यमारोग्य देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि दिशो देहि दिशो देहि यजो देहि दिशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे नन्दो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः कार्यक्रम देखिए सुनिए और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
गूंजनी चाहिए थी ठंडी की वजह से, ठंडी ठंडी जय हो रही है। सबको आरती का आनंद आया, आगे वालों को ज्यादा आया, पीछे वालों को आया आनंद आया। माता रानी आपने जे जो तप किया इतनी ठंडी ठंडी हवा में,
इस तप का माता रानी जी आपको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। अभी पूरी गूंज के साथ आपकी जय। देखो आपके घर में तो जोश लाएगी, पूरे देश में जोश लाएगी, लेकिन सबसे पहले जो लाइनों में लगे होंगे उनमें बहुत ज्यादा जोश लाएगी कि आरती हो गई। इंतजार खत्म, जाते ही माता रानी जी से मिलेंगे, जैसे आप सब इंतजार कर रहे हैं। सभी गज के जोर से बोलो सच्चे ऐसे ही चार्ज रहा कीजिए। बोलो सच्चे बोलो सच्चे आशीर्वाद जय माता दी।